का कारण है कि हमारे एक अध्येता एक फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। प्रोफेसर 7211 नाम की फर्जी ईमेल आईडी से सारे अध्येताओं को मेल जा चुकी है, जैसे मुझे पता चला है। सबको गई है कि नहीं पता नहीं। प्रोफेसर राजू डिड मेल लाइक दिस प्रोफेसर 721? नहीं, तो सबको नहीं गई है। आई गॉट सो एंड यू नो अलका जी, वो सब जंक में चली जाती है, देखा नहीं जंक? ओके अलका जी, लेट मी नो अबाउट दिस अराउंड 5:20, 5:30, बट आई कैन टॉक टू द सिस्टम एनालिस्ट। इमीडिएटली मैंने सिस्टम एनालिस्ट को बता दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें पता नहीं था कि सब अध्येताओं को गई है। उनको लगा सिर्फ माधव हड़ा साहब को गई और अलका जी को गई है, और उनको लगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट लीक हो गए हैं। मुझे नहीं लगता मेरे कॉन्ट्रैक्ट लीक हुए हैं, क्योंकि सिर्फ अध्येताओं को ही गई है और सारे अध्येताओं को नहीं, कुछ कुछ अध्येताओं को गई हैं शायद ऐसी मेल। बलराम भाई को भी गई है, क्या है? सुमन को भी गई है। वो नाम लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस तो कोई फेक है। हाँ जी, हाँ जी भाई, मैं कह रहा हूँ उसमें क्या है, उसको डोंट पे अटेंशन टू इट। नो नो आई नो, बट वन ऑफ आवर फेलोज हैज गिवन 25,000 टू दैट फ्रॉडस्टर थ्रू शोक मना रहे हैं आज। प्रोफेसर राजू प्लीज डोंट लाफ, आई मीन वी हैव टू डू समथिंग। सर ये तो, सर ये तो जैसे ही मेल आया ना, वो आपका वो अंदाज ही नहीं है उस तरह से लिखने का। पहली बात तो आप हमेशा सबको बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और आज तक मुझे तो जो भी मेल आया अलका जी करके आया है, और सभी को इसी तरह आता है, वो आपका अंदाज ही वैसा है। और दूसरा ये था कि नीचे ठीक से लिखा नहीं हुआ था, आपका नाम था और फिर डायरेक्टर ऐसे करके था, तो वो साफ पता चल रहा था। तो मैं तो आपको तो बाद में शायद मेल मिला, लेकिन उससे पहले ही मैं कृतिका को जाके बता कर आई, और उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम एनालिस्ट को तब तक कर दिया था, तो वो आपसे नहीं आ रहा था। हाँ नहीं नहीं सब अध्येताओं को जाना चाहिए था कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो मैंने पूछा उनको, सिस्टम एनालिस्ट को मैंने कल रात को ईमेल डाली थी ये पता होने के बाद कि आपने तुरंत सबको ईमेल क्यों नहीं डाली, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा सर आपके कॉन्टैक्ट लीक हुए। मैंने कहा मेरे तो नहीं हुए, कोई भी मेरे कॉन्टैक्ट ने मुझे नहीं लिखा, ओनली अध्येताओं ने लिखा है। तो यू नो ये सर, हम आपके 5 बजे पता चला और... है वैसे मैं मानता हूँ कि अध्येताओं को ही गया है, लेकिन ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं गया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कहीं और से जा चुका है, हमारे वेबसाइट से भी जा सकता है, आई डोंट नो कहाँ से गया है, क्योंकि मेरे तो हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ इन अध्येताओं को कैसी गई मेल, यू नो ये सोचने की बात है। लेकिन साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए, और यू मस्ट टेक इट अप विद अमेज़न एंड इफ पॉसिबल इसका कुछ हमें करना चाहिए। और जो मैं मेन चीज़ कहना चाह रहा था, ये एक नाइजीरियन फ्रॉड कहते हैं स्कैम, 419 स्कैम है। तो 20 साल पहले आई फर्स्ट केम अक्रॉस द स्कैम। तो इसमें अलग तरीके होते हैं, यू नो एक तो जैसे कल वाला था, लेकिन दूसरा होता है कि आपको एक लॉटरी लगी है, आपको 1 million pounds मिले हैं, एक सीक्रेट बैंक अकाउंट में है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए उसमें आएगा। फिर दूसरे कुछ होता है कि आपके कोई रिश्तेदार है, वो कहीं फॉरेन कंट्री में गुजर गए हैं, और उन्होंने एक सीक्रेट अकाउंट में आपके लिए एक बहुत बड़ा वसीयतनामा छोड़ा है। ऐसे एक अलग अलग टाइप के यहाँ फ्रॉड होते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आप एक बार उनसे संपर्क करना शुरू करें, फिर आपको किसी न किसी तरह से लुभाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेंगे कि $1 million आपको लेना है, तो पहले आप छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए, यू नो जैसे $100 ट्रांसफ़र कीजिए, ऐसे वो करते हैं, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट वर्चुअली अनट्रेसेबल। तो आपको गूगल में भी कंप्लेन करना चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट आपको मदद करेंगे, अमेज़ॉन में भी करना चाहिए, साइबर क्राइम में तो करना ही चाहिए। बट आइंदा प्लीज़ कोई भी कहीं से भी ऐसा संदेश आए, एंड एज अलका जी सेड, वो अंदाज ही अलग होगा, जो आपके जो फ्रेंड होंगे या कॉन्टैक्ट होंगे, जिस तरह आपसे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको भी नहीं जानते,
और जिसके नाम से फ्रॉड किया जा रहा है उनको भी नहीं जानते, बस वो तुक्काबाजी होती है. यू नो, मेरे को कई ऐसे ईमेल आते हैं कि गॉड ब्लेस यू माय डियर, आई वांट टू टॉक टू यू, ऐसे भी आते हैं. और खास करके जो मेरे JNU अकाउंट में बहुत आते हैं, तो फॉर एग्जांपल पूरा JNU का अकाउंट सिस्टम हैक हो चुका है. हैक मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स हैक हो चुके हैं. शायद हमारे IAS के भी कॉन्टैक्ट्स किसी ने छीन लिए हो, चुरा लिए हो, पता नहीं. लेकिन आई एम वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी वेरी सैडन दैट हमारे किसी अध्येता के साथ ही ऐसे हुआ. एंड आई विश देयर वाज सम इंश्योरेंस जिसके ज़रिए आपको अपना आपकी रकम तो वापस मिलनी चाहिए. बट नाउ लेट अस मूव टू द वेस्टर्न सिंगर्स ऑफ वुमेन सिंगर्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान आर्ट पेट्रोनेज एंड कम्युनिटी लाइफ, डॉक्टर सुमित दहिया'स इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन. तो इनकी जो स्टडी है वो रॉयल वुमेन जो सिंगर्स थे रॉयल पेट्रोनेज में और मारवाड़ के जो राजघरानों में इनकी परवरिश होती थी और इनकी पेट्रोनेज भी होती थी. तो जनानी देवड़ी के गायन की ये पूरी प्रणाली होती थी. तो इस पे इन्होंने शोध शुरू किया है, आरंभ किया है और आर्काइवल काम है क्योंकि जगह जगह जा करके ये गीत और ये जो पट्टा जो होते हैं जिसपे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसपे ये गीत और इसकी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये नेटिव जो ये राजघराने के आर्काइव्स हैं वहाँ उपलब्ध हैं. और ये खुद एक जोधपुर घराने के इसमें सॉरी राजघराने के म्यूज़ियम में काम कर चुकी हैं. और इसकी लिपि और स्क्रिप्ट भी कुछ अलग होता है होती हैं. और तो इनके कुछ सवाल हैं इसमें कि ये जो जागीर थी ये किसकी हैं, लीगल हेयर्स इसके कौन है, वसीयतनामे पे सिग्नेचर किसकी है. तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक बंगाल में एक बहुत ही मशहूर एक केस था, एक महाराज कुमार जिनको लोग समझते थे गुजर गए हैं, 20 साल बाद वो दोबारा प्रकट हुए और उससे बहुत बड़ा केस हुआ जिसपे दीपेश चक्रवर्ती जी ने एक किताब भी लिखी है. दीपेश चक्रवर्ती जी ने लिखी है, किसने लिखी है, या पार्थो चाटर्जी ने लिखी है. तो वो आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि उसमें भी एक रहस्य है, जैसे आपके शोध में भी एक रहस्य है. और एक आर्काइव को अप्रोच करने के जो तरीक़े हैं उसका भी आपको कुछ वहाँ से शायद मिल सकती है. तो इन शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ इस आशा है कि आपका शोध कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपूर्ण हो, संपन्न हो. और अब मैं प्रोफेसर माधव हाड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि आपका अच्छी तरह विधिवत परिचय भी करें और कुछ आपके विषय के बारे में बात करें. और अगर बीच एग्जिट करना पड़े इस चर्चा से तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचते फिर मुझे सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए धन्यवाद. हाड़ा साहब प्लीज़ आप इसको आगे चलाइए. अनम्यूट कर लीजिए सर. हाँ, थोड़ा सा ये थोड़ा असाधारण किस्म का विषय है. मुझे लगता है कि राजस्थान के जो अंतःपुर हैं जिनको हम लोग जनाना ड्यूटी कहते हैं उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां देश भर में और विद्वानों में विमर्शों में है. मुझे लगता है उन भ्रांतियों का निराकरण बहुत जरूरी है. अंतःपुर एक बहुत जटिल प्रकार की इकाई है. गायन उस अंतःपुर की कई इकाइयों में से एक इकाई, अन्यथा आप देखें तो ड्यूडी ठाकुर सबसे पहली इकाई है, ड्यूडी प्रभारी इंचार्ज जो है वो दूसरी इकाई है, बडारण तीसरी इकाई है. अंतःपुर में पासवाने, डावड़िया, रानिया, विधवा महिलाएं, गायने सब रहती थी. पर एक विचित्र प्रकार का मतलब एक विचित्र प्रकार का संबंध है. क्षमा कीजिए, वो लोग जो
छींक आने पर भी ग्रामसी और फूको के पास जागते हैं, दौड़कर जाते हैं। यदि वे इसको समझना चाहें, इस सारी जटिल संरचना को, तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप सोचें कि ये एक एक जो प्रदायतन है वो नीचे की कैटेगरी की स्त्री है, उसका औपचारिक विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उसके उसका पद बहुत ऊंचा है। अन्य स्त्रियां उसके यहाँ आकर पांव लगती हैं। इसलिए ये एक बहुत जटिल प्रकार का मतलब विषय है, जिसको किसी तयशुदा सैद्धांतिकी में आप समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको एक अलग से अलग प्रकार की सैद्धांतिकी विकसित करनी पड़ेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने बहुत विस्तार, डॉक्टर सुमित ने पहले अंतःपुर के क्या जो दस्तावेज है उनको अच्छी तरह से देखा समझा है। इससे पहले वो रॉयल कॉस्ट्यूम्स और उन पर काम कर चुकी हैं। मैं थोड़ा सा उनका औपचारिक परिचय दे देता हूँ। 1917 में, 2017 में क्षमा कीजिए, उन्होंने इग्नू से अपनी पीएचडी की और उसके बाद वे जोधपुर का एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके संबंध में अध्येता मित्रों को शायद जानकारी नहीं है, मानसिंह पुस्तक प्रकाश, 5-6 वर्ष तक वे वहां शोध अधिकारी रही है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर राजघराने का संग्रहालय भी है और पुस्तक प्रकाशन का केंद्र भी है, शोध गतिविधियों का केंद्र भी है, और कई ऐसे अद्भुत दस्तावेज, असाधारण और दुर्लभ दस्तावेजों का प्रकाशन उन्होंने किया है। 1891 की मर्दुमशुमारी रिपोर्ट, जातियों की उत्पत्ति और रीति रिवाज इसी संस्थान ने प्रकाशित किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। मुझे लगता है कि गायनों पर काम करना, ये गायन एक इकाई जरूर है, लेकिन आप देखिए कि उसका आरंभ से लगाकर अंत तक, मतलब आप किसी सैद्धांतिकी में सोचना शुरू करेंगे, किसी तयशुदा सैद्धांतिकी में सोचना शुरू करेंगे तो अलग निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है, और मैंने एक दिन उनसे बात भी की थी से, कि इस सारे प्रकरण को समझना के लिए एक अलग प्रकार की, एक भिन्न प्रकार की, अपनी तरह की एक सैद्धांतिकी की जरूरत है, जिसको शुरू में विकसित किया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर सुमित को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी परियोजना से आपको अवगत कराएं। धन्यवाद। थैंक यू अड़ा जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एट द वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स अवर डायरेक्टर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आल्सो थैंक्स टू प्रोफेसर आडा सर टू चेयर माई सेशन। आई पे माई स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर चहल सर एज दे सजेस्ट मी सम ऑथर वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टू माई रिसर्च, एंड आई ऑल्सो थैंक्स टू माई ओल्ड फेलो कुलीग टू बींग हेयर। टू बिगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राजस्थान इज ए हवा बिकॉज राजस्थान इज ए टू To begin, this topic is very important because Rajasthan is a home to vibrant musical traditions. Many of these traditions have been associated with hereditary occupational community who have been associated with the particular tradition for several centuries. These include the Mirasi, Doli, Damyas, Nath, Bhat, Langa, Kalberia, and Manganyar, and other among others. Many of these groups continue to preserve and perform in these traditions, numbering to 10 to 1,000 at present. Between the 15th and early 20th century, female singers who performed at the Janana Dodi were referred as a Gayan, Bhaktan, and Paturi. Once a Gayan entered the Rani Vash, she became an integral part of the female integral part of these female quarters in the royal household, subject to particular rule and regulations. Sources attest the until independent in 1947, women singer and always been a part of royal families in Rajasthan. The rulers used to bestow jagir to the court singer, which revenue the latter used to use their personal expenditure as well as their charitable work. The women performer were free to disburse the income raised from the jagir as they choose, and they manage the administration of their respective jagir themselves through their own appointment staff.
After independence in 1947, however, there were no further patronage from the rulers. Consequently, some women performers like the renowned Jamila Bai began perform in the public concert with the ticket entry. She is presently 86 years old and famous for as a man singer. She continued to perform in almost every celebration of Jodhpur royal families. Presently, Rajasthan musical communities and their rich folk and musical tradition face a dull threat. Traditionally, patronage has eroded from most of them. Moreover, they face tough competition from the modern entertainment industry. The integration in the local Rajasthani folk music industry is highly exploitative. Most of these performers are the casual worker in the many local studio and dot the market in town of Western Rajasthan. As a result, these communities and individual performers find themselves sliding into poverty, unable to teach their younger either the skill to survive the changing economy or to hone their traditional performing skill, which were the economic mainstay for the countless centuries. Scholars have traced the changing nature of the Indian music tradition from time to time, but there has been little work on the social history or courtly performer as in particular. As a result, we know little about the musicians who have preserved this tradition, and as little about their decline in contemporary time. The present study aimed to trace the history of musician communities in Rajasthan from the late 18th century to till 1947 by the focusing in the women of these group who remain largely acknowledged for their contribution to the richness of their tradition art form. This study thus tracked the history of the women from these performing communities who served as the female singer in the court of the Rajasthan in pre-independent period. We are fortunate in having the manuscript account in the Marwari language to four female singer under the patronage of Rajput ruler. No research has been undertaken to these performer or in these sources. This study aimed to reconstruct the lives of such performers in the past, their working condition, and their various items of music and they performed. I will address the following issue during this research. The historical background of female singer in Rajasthan. The process adopted for purchasing singer in the Rajasthan royal establishment and their life under the royal patronage. The circumstances that lead to the sale and purchase for younger girl by the court looking to the trained performers. The relationship of women singer with the state and with society, which women entered the Ranivas and became and the integral part of the Janani Jodi, their influence, if any, on the court, government and the economy. The granting of jagir to these performer and their administration, the hierarchical organization of Gayan, Bhaktan and Pathuri as female performer in different relationship with the courtly patroner, the changes and the continuity in the hierarchy in contemporary times. The role of Tamil Khana and Gunjan Khana and in the lives of performers and how these institutions have been replaced in contemporary time. These conservation of these musical tradition now redefined as a folk tradition by the hereditary communities of former courtly performers today. From the analysis of this rich archival record that are available, I am confident that I will be able to address these questions. Our historical records is the full of reference of the such singing women since the ancient period. They used to perform at the court and palaces. In Rajasthan, such women singers were called Gayan. They used to live in the segregated female quarters of the fort and palaces, the Janani Jodi, and used to perform both regular and the various special occasions. Due to their talent and beauty, some among these performers became a special favorite of the ruler. At that point, the ruler elevated such a woman to the status of pardais. Once a Gayan became a pardait, co-wife or concubine, this is also a debatable question. She was not allowed to perform in the open court. A concubine of the ruler became an inhabitant of the female quarter of the court and like the queen of these rulers. The concubine lived in the independent quarter. They were also allotted the retinue of the dowries in their personal servant. For their material well-being to the concubine received monetary section like the other members of the royal family. The concubine received allowance for personal expenses in the form of land assignment granted for their personal expenditure, hath kharchi jagir.
Such Pardayat women were second in status of the ruler Rajput wife, but were often superior in rank and power to the all other women in the court. Many such gyan became Pardayat in the court of Rajasthan. Among the question that I will attempt to answer to how were Pardayat were differentiated from queen, but entitlement of status were common between the queen and Pardayat, and which privilege were reserved for the queen. In the mid-20th century, major historical event dramatically reduced the scale of royal court of Rajasthan. These events included independence from the British rule in 1947, the confiscation of the royal and the Jagir land in Rajasthan after 1952, the merging of the many states into a single prebendary after 1956, and the abolition of the princely privy purse in 1971. In the context of these radical historical changes, court and the royal administration were severely reduced in the wealth and patronage. The training institution, the Talim Khana and Gunjan Khana, that had been provide support to musician, were shut down. Performer and their families lost patronage. Some performer migrated to the Pakistan, and some were reduced to their poverty and prostitution. This study attempt to recover the history based on the two century through the primary archival records. The data will be help immensely in the portraying a complete picture of the life of female performer in the royal court of Rajasthan. Some significant work that is important to my research on female performers, courtly culture, and on the social culture condition of women in medieval and the modern Rajasthan. But such studies are limited to women belonging to their royal family. We thus lack any systematic knowledge about the courtly women who performed singing as their occupation. Moreover, while we know a lot about the custom and the religious tradition of royal women, we know far less about their wealth, their finance, and their economic activities. This research will be fill this gap by the studying the social and economic condition of women singers in the Rajasthan region. Based upon the comprehensive and through survey of the available archival record, the proposed study will be portray a complete picture of singers in the medieval and modern Rajasthan, especially in the term of their evolving economic status and social hierarchies. It will help to formulate a clear picture about the wage pattern for female performer, the problem encountered by women singer in day-to-day life, and their relationship with the ruler, the court, and the bureaucracy and the state. We will also attempt to compare royal singer with singer from non-courtly background in the contemporary Rajasthan. We can assess whether and to what extent the female descendant of the courtly performer continue to be at the disadvantage for Rajasthan today. I shall also try to reach out a contemporary performer who trace their identity to the families of 19th century courtly performer. Their understanding of their own lineage and the history shall be studied. This will make add to my attempt to write the history of a community that is keeping courtly performer tradition alive long after the court themselves have died. Present study has 8 chapters. My first chapter is introduction. In this very first chapter of my research work, I would deal with the geography of Western Rajasthan and economic condition, and also talk about the historiography and origin of music. In the second chapter, title is the tradition of music in Rajasthan and community performing then. In this chapter, I would trace the tradition of music in Rajasthan, and I would also talk about the major communities who used to perform in the court and their social and the economic life. My third chapter title is Women Singer in Rajasthan Court, Gayan, Bhakta and Paturi. In this chapter, I would try to deal with the historical background of the women singer and their life in the court. And my fourth chapter is Migration, Social Organization and its Impact of Professional Life, where I would discuss the impact of the marriage institution of professional life of women singers. My fifth chapter title is Tamil Khana, Gunjan Khana, Nature and Structure. In this chapter, I would deal with the difference between the Tamil Khana and Gunjan Khana and their work process. In this chapter, I will also try to find out how these institutions have been replaced in the contemporary time. My sixth chapter is Women Singer, Wage, Income, Wealth and Charitable Work. In this chapter, I would deal with the singer wage, their income from the jagir and the charitable work done by her.
My seventh chapter title is Legacy and the Status of Women Singer in Contemporary Rajasthan. In this chapter, I would try to compare the actual status of the female singer in the court time and their condition in the present time. My eighth chapter is the last chapter and conclusion. I will be discussing the all findings of these studies. My research method and sources. My research will be based on the bureaucratic's record in the manuscript from the various princely states, all preserved at the Maharaja Man Singh Pustak Prakash, Jodhpur Fort, Rajasthan, and the Bikaner State Archive, Bikaner. Alongside the archival data, I also field visit to various villages where musician communities live. I will try to identify any singer who ancestor performed at the royal court in the past. I will also visit the anthropomusicology archive of the Indian Institute of American Study in Gurgaon to listen to recording and interview conducted there with the performer since 1960. Anthropomusicology Museum archive is preserving the recording and the material from the Rupayan Sansthan, the archival center for the performance tradition of Rajasthan, which was founded by Komal Kothari and Vijayadan Deta. I will consult those materials as well since they deal with the Rajasthan especially. My primary sources are Jodhpur Sanat Parwana Bahi. These are the judicial record cover a very wide range of the issue like tax, crime, punishment, women's situation, role of Nayak Panchayat, market policy, trade, fair and festival, and also talk about the social and economic condition of Marwar people. My second head of sources, Khas Rukka Parwana Bahi. These bahis contain letter written by the rulers of the Jodhpur to important trader in the around Marwar. And my third source is Jodhpur Arji Bahi. These bahis are the collection of the state response to petition from the different social groups. My next primary source is Jodhpur Bihari Bahi. These Bahi contain detailed account of expenditure incurred on the royal marriages. And next is Patta Bahi. These Bahi gives details about the grant of land assignment by the state of the subject. And my next head of primary source is the Oda Bahi. This record gives the information about the recruitment of different officials in the different posts in the state workshop with the state of these appointment. And next is Hath Bahi. This is the personal diary of the rulers. And next is Hakikat Bahi. This Bahi contain newsletter from the different part of the kingdom. And my next primary source head is the Kapdore Kothari Bahi. This Bahi gives the information about the type of clothes, type of work, and the artisan class, and the Rani's costumes, and the jewelry. Yeah. My major important primary source is Janana Ki Bahi. These bahis related to the personal and account of the Rani and the other women of royal females and give the information about the all activities. These bahi related to the Gayan, Bhaktan and Paturi and give the information their appointment, their purchasing and their lifestyle, etc. Apart from that, I will also consult the Khyat and Gazetteer of Western Rajasthan. I would like to end the presentation here and open my presentation for the question and your suggestion. Thank you for your kind attention. धन्यवाद सुमित जी. मुझे लगता है कि उनका जो शोध का दायरा है बहुत विस्तृत है. आप चाहें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं. एक उपनिवेश काल से पहले जब गायन संस्था जीवित थी, गायन के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं भी जीवित थी और राज्य को ये अधिकार थे कि वो जागीरें दें दूसरों को भूमि दें और ये एक मुझे लगता है एक पूरी संस्था का विकास हुआ सदियों तक. दूसरा उपनिवेश काल के बाद है जब ये आपकी तालीम खाना, गुंजन खाना, गायन और ये संस्थाएं बिखर गई और अंग्रेजों के उपनिवेश काल में अंग्रेजों के दबाव से अधिकांश जमीन को खालसा किया गया और जागीर की जमीन राजस्व के लिए सीमित होती गई. तो मुझे लगता है कि ये दो दायरे हैं और उनके शोध की परिधि में और तीन चीजें गायन पातुर गायन
भगतन और पातुर, ये तीन, ये हायरार्की भी है, सर्वश्रेष्ठ गायन है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है उसकी, और भगतन की उतनी नहीं है और पातुर की सबसे खराब है। मुझे लगता है कि इसको, ये शोध का दायरा बहुत विस्तृत है। बाद में उपनिवेश काल के बाद जब ये संस्थाएं बिखरने लगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बनी बिगड़ी जिनका आकलन और मूल्यांकन उनके लिए बहुत श्रमसाध्य कार्य होगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपनी जिज्ञासाएं, अपनी टिप्पणियां एक एक कर रखें। राजू सर सबसे पहले। जी सर। मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, थोड़ी देर, बहुत ही छोटा सा सवाल है। जी सर। कि ये तवायफ के जो ट्रेडिशन था लखनऊ में, जी सर, जी सर, तो इससे कोई रिलेशन है क्या? सर मधु त्रिवेदी मैम कहती हैं कि जो ये जो रॉयल टाइम में जो सिंगर थी वो बाद में उनको एक कैटेगरी तवायफ में तब्दील हो गई। उनका काम भी है अवध की तवायफों पे, मधु त्रिवेदी जी का, तो उन्होंने ऐसा बोला है। बट सर क्योंकि मैंने अभी रिसर्च स्टार्ट किया है तो ऐसा राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में जितना मैंने पढ़ा अभी तो नजर नहीं आया, तो मे बी अगर फ्यूचर में नजर आता है तो आई विल कंसल्ट। सर आज वक्ता डॉक्टर सुमित हैं मेरे से बाद में। हाँ सर, आप डॉक्टर चहल पूछेंगे। चहल सर, चहल सर, हाँ शुरू करें सर, आप सुनाई पड़ रहे। लग रहा है कनेक्शन फ्रीज हो गया है, फ्रेम है कनेक्शन की। एक प्रश्न मेरा था तब तक, मैं छोटा था, वो बहुत ही छोटा, केवल जानकारी चाहनी है। ये जो पातुर शब्द है वो मैंने सुना है भोजपुरी के मुहावरों में, अपने यहाँ पातुर शब्द जो है, सर शायद बोल रहे हैं, वो वेश्या के अर्थ में या ऐसी किसी स्त्री के अर्थ में आता है, तो क्या वो आपके अध्ययन में या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी उसी अर्थ में आ रहा है क्या? जी सर, जो पातुर शब्द है सर वो बेसिकली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। बोलिए बोलिए। हाँ आप बताओ। जी सर, जो सर पातर शब्द है, जो पातर या पातुरी जो शब्द आ रहा है राजस्थान में, तो सर वो एज ए प्रोस्टिट्यूट के सेंस में ही आ रहा है वहां पर। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले मैंने नीलम वशिष्ठ मैम का एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने इसको रीडिफाइन किया है। उन्होंने बोला है पातर का मतलब होता है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिंगिंग, तो उन्होंने इसको बंगाली के किसी वर्ड के साथ में जोड़ा है। और उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा है, अपने पेपर में मतलब कहा है कि ये जो है, ये जो एलिजिबल जो कैटेगरी थी सिंगिंग के लिए, ये उनके लिए यूज हो रहा है। बट सर मुझे जो अभी बहियों में जो इंस्टांस मिलते हैं राजस्थानी सोर्सेज में, वो सभी सर प्रोस्टिट्यूशन को ही इंडिकेट करते हुए मिल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने किस भाषा के शब्द से संबंध किया था इसे? सर उन्होंने बंगला भाषा के वर्ड से जोड़ा। धन्यवाद। चहल सर, चहल सर फ्रीज हो गए हैं, सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, इतनी ठंड तो नहीं है शिमला में कि वो फ्रीज हो गए पूरी तरह से। सुब्रमण्यम सर कह रहे हैं। सुब्रमण्यम सर तब तक आप पूछ लें। सुबू सर, सुबू सर आप बोले। जी आ रही है, आ रही है। मैंने स्टार्ट किया तो भी, और मेरा एक क्वेश्चन है और एक सुझाव है।
क्वेश्चन मेरा है कि जो आपने अलग अलग सोर्सेस बताए जी सर, कौन सा ऐसे है जिसमें इन महिलाओं की अपनी आवाज सुनाई नहीं जाता है? सर आपकी अंतिम पंक्ति सुनाई नहीं पड़ी है, एक बार वापस सुना। कौन सा सोर्स ऐसा है जिसमें महिलाओं की उनके महिलाओं जरूरी कोई भी दस्तावेज दिखा क्या जो अर्जियों में आपने बताया उनकी कोई उनके द्वारा लिखी गई कोई अर्जी है क्या या उनके कोई दस्तावेज? ये एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे दस्तावेज है उनको दिए गए चीजों के बारे में है या दूसरी चीजों के बारे में, उनके अपने बयान दिखाई दे रहे हैं, एक सवाल। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि ये जो पूरी परंपरा है सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो ना सर, आवाज थोड़ी बिखरी बिखरी आ रही है। तो मैं लिख के नहीं नहीं सर, आप बोलिए, आप बोलिए ना सर। हाँ, आप साफ आइए जी सर, सजेशन। अच्छा ठीक है, मेरा ब्रीफली बता दूं, बटलर शोफील्ड का एक काम है मुगल कोर्ट में इसी तरह के इंस्टीट्यूशन का करके उनका एक लेख है, उनसे शायद एक किताब भी है। और जिस तरह के वर्गीकरण बता रहे हो लगभग उनके समकक्ष वर्गीकरण इन महिलाओं के मुगल कोर्ट में जो लगभग आप इंफा कर सकते हैं उनका ओवरलैपिंग है। वर्षा काम किया था शायद आपने उनका काम लिखा। जी सर जी सर जी सर, वर्षा जी का एक और किताब है पांडे, इन्होंने म्यूजिक के मुगल कोर्ट में काफी अध्ययन किया है, आप जरूर उसको पढ़ें। जी सर, राज दरबार और खास इस तरह की दासी बनाई गई महिलाओं द्वारा जो संगीत विकसित होता है उसके बारे में किसी ने तमायफ के बारे में पूछा था कि तमायफ परंपरा कैसे विकसित होती है मुगल काल के बाद, ये भी उसमें चर्चा है। मैं एक छोटा सा सवाल और पेश करने चाहता हूँ। जी सर, आपने बार बार कहा कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स परिवार होंगे तो क्या इसे कई लोगों ने कहा भी है खेलों का एक सिस्टम है जी सर, कम्युनिटी बनने के चांस है जी सर। मुगल कोर्ट में जिनको कंचनी कहते थे जी या डोमनी कहते थे उनके परिवार बोल दो आप। थैंक यू जी सर। सर जो आपका सजेशन है उसको तो मैं सर अच्छे से रीड आउट करूंगी। और सर आपके दो क्वेश्चन है बेसिकली। सर एक क्वेश्चन जो है आपका, आप पूछ रहे हैं कि मतलब उनके हाथ का लिखा हुआ सोर्सेज कोई है क्या? तो सर जो ये अर्जी पड़ी है सर, पहले इतना हम प्रिजर्व तो डॉक्यूमेंट को कर नहीं सकते थे, तो हमें राजस्थान में ऐसे मतलब एविडेंस मिलते हैं कि हर 10 साल के बाद में वही को दोबारा कॉपी किया जा रहा है। तो सर इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनके हाथ से लिखे हुए हैं, लेकिन सिंगर के राजा को लिखे हुए बहुत सारे लेटर हमें मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि उसकी सिचुएशन क्या थी और उसका रिलेशन राजा के साथ में किस तरह का था। बट सर क्योंकि वो कॉपी हुए हैं, हर 10 साल में 15 साल में कॉपी किया गया है, तो बेसिकली वो उन्होंने खुद लिखे थे, फर्स्ट जो कॉपी है वो तो अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो सेकेंड अकाउंट है या फर्स्ट अकाउंट है। और देन सेकंड सर आपने कहा कम्युनिटी सिंगर, मैंने कम्युनिटी सिंगर की जो बात की है सर, यहाँ पे जो सोर्स को जो पढ़ते हैं सर, ऐसे बहुत सारे हमें सोर्स मिलते हैं जिसमें जो गायन है
उसको राजा ने पर्दायत नहीं बनाया है अपनी, और बिना पर्दायत के बनाए हुए ही उसके बच्चों की शादी हो रही है, और उसकी शादी में रॉयल फैमिली खर्च कर रही है, प्लस उसके बच्चे का जन्म हो रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं इसको डिटेल में अभी पढ़ना शुरू करूंगी क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ गायनों को परमिशन थी कि वो मतलब अदर किसी से मतलब शादी कर लें और फिर आगे अपनी फैमिली को बढ़ाएं और कोर्ट में परफॉर्म करती रही। इसलिए मैंने एक चैप्टर भी रखा है सर इस रिसर्च में कि जब वो शादी करती थी तो शादी के बाद क्या चेंजेस आते थे उनकी लाइफ में कोर्ट परफॉर्मर्स के रूप में। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुमित आपको बधाई दूंगा, रिसर्च वर्क है ये काफी काफी फ्रेश है, काफी ओरिजिनल है, और इसके अलावा काफी लेंथी भी होगा, जैसे आपने 8 चैप्टर्स का जिक्र किया है। जी सर। और तो आपने बड़ा चैलेंज लिया है, लेकिन आपके जवान कंधों पे बड़ा चैलेंज आप आया है, तो अच्छी बात है, आप कर लोगे, मुझे आई एम वेरी वेरी होप। और दूसरी चीज, आपने प्राइमरी सोर्सेज में भी काफी सारे जो है ना, बिल्कुल एक तरह से नए तरह की सोर्सेज की श्रृंखला का जिक्र किया है, ये भी एक बहुत नई चीज, एक ओरिजिनल चीज होगी आपके रिसर्च वर्क की, आप बिल्कुल एक नए प्रकार के सोर्सेज को देखने जा रहे हो। मैं साथ ही आपका शुक्रिया भी करूंगा, मेरा आपने नाम लिया शुरू में। नहीं सर, वो मैं अभी देख नहीं पाई उसको, अभी टाइम कम था तो, लेकिन मैं फ्यूचर मतलब अभी जब स्टार्ट करूंगी तो मैं उसको पढ़ूंगी आपके सजेस्ट किए हुए तीनों वर्क को। फिर भी मेरा तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा आपको। जी सर, जी सर। आपका जो टॉपिक है ये बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। एक तो अंतपुर के मामले में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ना, जी सर। तो एक तो फ्यूडलिज्म, राजस्थान फ्यूडलिज्म की का गढ़ है एक तरह से। जी सर। दूसरा इशू है कास्ट, और तीसरा इशू है जेंडर। तो ये तीनों इशू बड़े इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। तो एक थ्योरेटिक देखिए, मैंने पहले भी आपसे एक बार बात करी थी, हम जब बैठे थे, थर्ड कौन सा बोला था आपका, आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो ये जो इश्यूज है ना, फ्यूडलिज्म, कास्ट और जेंडर, इन इश्यूज को थोड़ा सा अलग से आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी आपको देखना चाहिए कैनेडियन कंटेक्स्ट में। और थ्योरी के संदर्भ में एक बात और कह दूं, आडा साहब ने शुरू में बिल्कुल एट द वेरी आउटसेट एक ऑब्जर्वेशन किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, मुझे पता है किसको टारगेट किया था उन्होंने। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई आग्रह नहीं है, ये तो ये मैंने एक सामान्य बात कही है और इसको अन्यथा मत लो। सर, वो आपका ऑब्जर्वेशन मेरे को तो बहुत पसंद आया कि हर एक चीज के साथ देखिए, मुझे लगता है हमें अपनी सैद्धांतिकी विकसित करनी चाहिए, हर बात में हम फूको के पास क्यों जाएं, हर बात में हम देरिदा के पास क्यों जाएं, हर बात में हम मतलब ये मुझे लगता है कि आप एक वस्त्र सिलकर फिर आप आदमी उस नाप का आदमी ढूंढने निकले, ये गलत हो जाए। मतलब आप चीजों में से निकलने दीजिए ना सैद्धांतिकी अपने आप। मैं आपकी बात समझ गया, मुझे आप और एक्सप्लेन। देखिए बात सुनो आड़ा साहब, मैं आड़ा साहब को ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आड़ा साहब तो देखो सीनियर है, पका माइंड है, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर सुमित, मैं आपको खास कर ये कहूंगा कि जब आप अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करें तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी वेस्टर्न थिंकर को आप बिल्कुल ही छाट दो या इंडियन थिंकर को ही अपनाओ। मुझे तो खुद चल सर, आप जारी रखें। आज मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपकी कोई साजिश लगती है मुझे। अपनी बात कह देते हो लेकिन मुझे मेरी नहीं सुनते। नहीं नहीं आप कहिए। ऐसा है हाड़ा साहब, विद रिगार्ड्स टू यू, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं आपकी भी प्रेजेंटेशन में देख रहा था तो मैंने वहां भी कुछ सुझाव दिए थे। तो आप जिस इंडियन सो कॉल्ड इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ना, देखिए जब एकेडमिक्स में हम कोई भी काम करते हैं, मैं आप सुमित को खासकर ये बात कह रहा हूँ, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी विज्ञान में, चाहे वो आपका इतिहास है, चाहे गणित है, चाहे फिलोसफी है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती कि इंडियन मैथमेटिक्स या कोई इंडियन इंडियन साइंस या कोई इंडियन करके कोई भी चीज। देखिए किसी भी साइंस में दुनिया के बेस्ट ब्रेन योगदान देते हैं, मैं हमेशा ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहा है, और सभी ब्रेन का फायदा उठाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। फूको को अगर आप पढ़ो या ग्रामशी को पढ़ो या और वेस्टर्न जो भी थिंकर्स हैं उनको पढ़ो, और उनसे आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर साउंड बनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं सर, मैं सबको पढ़ूंगी आराम से और फिर अपना एक नया थ्योरेटिकल वर्क को डेवलप करूंगी, यू डोंट वरी, थैंक यू। और सुनिए, मैं एक छोट कास्ट का जो जरा देखिए, एक सवाल भी है बल्कि मेरा। जी सर, मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए। जैसे इसमें जो अलग अलग लेयर्स हैं की सिंगर्स की, जी सर, उसमें कास्ट का इश्यू मेरे ख्याल में काफी इंपॉर्टेंट होगा। जी सर, मैं चाह रहा हूँ आपसे, और आप थोड़ा सा बताएं, थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी स्टडी किया होगा आपने। जी सर, जो दलित वर्ग की जो जातियां मानते हैं, तो उस जातियों की भी सिंगर्स रही है क्या? सर सिंगर्स तो सर अनटचेबल्स। सुनो सुनो जी, मेरा मेरा थोड़ा सा हरियाणा के राजस्थान, देखिए राजस्थान की कल्चर का ही काफी प्रभावित रहा है हरियाणा की, और जहाँ तक मेरी समझ है जो दलित वर्ग है से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको हमेशा डिप्राइव किया गया हर तरह के, और आप तो रॉयल कोर्ट की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इस वर्ग के लोगों की कोई सिंगर रही होगी, फिर भी आप मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। सर कैन आई आंसर? बोलिए बोलिए। सर जो कास्ट की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली अभी तो मतलब मेरे स्टार्ट ही किया मैंने रिसर्च को, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें सिर्फ टचेबल जो सोसाइटी है, हमारी कास्ट है, उसी को वो लोग ऐसे सिंगर अपॉइंट कर रहे हैं या परचेज करके उसको बना रहे हैं। जैसे कि उसमें बेसिकली है जाट विमेन है बहुत सारी, गुज्जर विमेन है बहुत सारी, और दर्जी भी ले रहे हैं क्योंकि दर्जी को टचेबल कास्ट अहीर कास्ट है, तो ऐसे गहलोत है, इन सबको ले रहे हैं। लेकिन मुझे जो डिप्रेस क्लास है उसके बारे में तो नहीं, मतलब मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला है, मैं भी फर्दर स्टडी में मिले कुछ। देखो यही मेरा पॉइंट है, मैं ठीक है सर। हेलो सुबोध सर, कुछ कह रहे हैं ये कफवा सर? जी सर, अगर डोंट कैटेगरी गाय सुनाई दे रहा है? जी सर अभी सुनाई दे रहा है, पहले का तो सुनाई नहीं दिया। मुगल दरबार करके एक कैटेगरी सिंगर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डोम जाति के थे, और ये लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ कि इस जाति के गायक कैसे बने और ये काम कैसे किया गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण गायक है, और जो राज दरबार हम का गाना बजाना अनिवार्य था, और ये डोम थी, तो ये देखना है कि क्या वक्त में वो डोम जो दलित जाति के लोग मुगलों से पहले की परंपरा है कि नहीं शायद। जी सर, जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कैटेगरी ऑफ लोग हैं, जो गायक हैं, जो बंदी बना के या शरीर के जिनको गायक बनाया जाता है, जो वेश्याएं थी, इनके बारे में देखना पड़ेगा, जैसे
कैसे आ रही है, बहुत पुरानी तरह नहीं है, कालिदास की तरह पहले की भी तरह की जिसको जिसके बाद सुबह सर आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अच्छा मैं आ रही आपके कमरे में, ठीक है? नहीं सर मैं आऊंगी आपके रूम में। तब तक जोर से बोलिए तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। हाँ अभिषेक सर कुछ पूछ रहे हैं, देखिए। हाँ अभिषेक जी किसी का माइक ऑन, बाकी सभी लोग अपने माइक ऑन बंद कर दें तो। सर मैं सिर्फ मेरी एक जिज्ञासा है जी अभिषेक जी, बाकी वो हाँ बाकी वो छींक वाली बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं। मेरा सिर्फ ये पूछना था, एक तो ये कि जो कि अभी चहल साहब ने पूछा, आपने बता भी दिया कौन कौन से समुदाय के लोग सामान्य तौर पर इसमें लिए जाते थे गाने वालों के लिए। एक बात मुझे बताइए कि क्या इसमें से वे लोग क्या अलग की ओर गए और गए तो क्यों गए? कोई कारण था क्या, कोई पॉलिटिकल कारण था या कोई आर्थिक कारण था? तो अगर उनका माइग्रेशन हुआ किसी साइड में देश के तो क्यों हुआ, वो मुझे थोड़ा अगर आप बताएं तो अच्छा है। अभिषेक जी मुझे जैसे दिल्ली से जब दिल्ली मुगल स्टेट का डिक्लाइन होता है उसके बाद बहुत सारे लोग राजस्थान पंजाब और अवध की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल जो स्टेट थी ये लोग उन लोगों को ज्यादा प्रोटोनेज दे रहे थे। तो लेकिन यहाँ मुझे राजस्थान से अवध में जाने का इंसान सो भी नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली से मुझे राजस्थान में जाने के बहुत सारे सिंगर्स के और आर्टिसन क्लास के बहुत सारे इंस्टांस मुझे सोर्सेज में मिले हैं। मे बी फ्यूचर में मैं जब अभी पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो शायद कोई मिलेगा तो देन मैं ज्यादा आंसर कर पाऊंगी। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेट में जाने के तो बहुत सारे कारण थे कि वहां पे लोगों को ज्यादा प्रोटोनेज मिल रहा था। जब मुगल स्टेट का डिक्लाइन हो रहा था प्रोटोनेज था नहीं, तो वो जो स्मॉल जो स्टेट थे वो अच्छे से राइज कर रहे थे, तो इस वजह से वो लोग वहां पे मतलब माइग्रेट कर रहे थे बेसिकली। तो लेकिन राजस्थान से वहां अवध में कोई गया इसका मुझे नहीं राजस्थान से कहीं और हुआ नहीं राजस्थान में। माइक अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो माइक स्विच ऑफ करें। मुझे अदर स्टेट से राजस्थान में आने के इंस्टांस मिलते हैं, लेकिन राजस्थान को छोड़ के वहां माइग्रेशन के इंस्टांस मुझे अभी नहीं मिले अवध के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात कर रहे हैं। थैंक यू प्रसन्न जी। सर जो गाने जो गाते थे यू नो द सॉन्ग इटसेल्फ राइट दैट द वुमेन यूज्ड टू सिंग, तो उन गानों से कुछ पता चलता है? और आई मीन व्हाट वर दिस सॉन्ग्स अबाउट, यू नो वर दे ओनली अबाउट द किंग्स और वर दे ओनली अबाउट यू नो कुछ सोर्सेस में उनके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि वो ठुमरी गा रहे हैं कि कौन से राजा को कौन सी ठुमरी पसंद थी और कौन सी गायन कौन सी ठुमरी गा रही थी। और प्लस उसमें भी जैसे वेदर से लेके बहुत सारी थी कि मौसम के बारे में या फिर राजा की प्रशंसा में ले गाया हुआ, ऐसे मतलब कुछ मतलब सॉन्ग्स मिलते हैं जो कि बहियों में रिटर्न है कि कौन से राजा को कौन सी ठुमरी पसंद थी, कौन सी गायन गाती थी तो उसको अच्छा लगता था, इस तरह के इंस्टांस मिलते हैं सोर्सेस में। अच्छा पर गाने गाने तो एक्चुअली अभी जो ये म्यूजिकोलॉजी मैंने बोला अभी जो म्यूजियम बना है जो रूपायण संस्थान का आपसे भी एक बार बात हुई थी तो उसमें रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी कि 1960 तक की है उसमें तो कब से स्टार्ट होके और कैसी तरह के, लेकिन जो रॉयल फैमिली में रिटर्न रिकॉर्ड ही अवेलेबल है वहाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है उस टाइम की। तो बाद में उस रिकॉर्डिंग को मतलब जैसे गानों को बाद में लोगों से गवा के रिकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन मतलब फर्स्ट पर्सन के गाए हुए सॉन्ग नहीं है वहाँ पे। और कोई मित्र सुमित जी पूछना चाहते हो? जी मैम कांग्रेचुलेशन फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू अंजलि मैम।
बहुत ही अमेजिंग है, गुड विशेस। थैंक्स मैम। मैं एक्सटेंशन प्रसन्नजीत सर के क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ रिलीजन है कि सिर्फ सेकुलर या यू नो एंटरटेनमेंट के लिए भी है कि या इससे जुड़ी भी थीम्स थी गानों में? सुनानी मुझे मैम, आप एक बार रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन को? मैम, गानों की थीम थी क्या, जुड़ी हुई थी? नहीं मैम, ऐसा कुछ थीम जैसा नहीं था। बेसिकली राजस्थान में तो जो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक म्यूजिक का ही ज्यादा दौर रहा, तो बेसिकली जैसे ढोला मारो की जो कथा थी उसको वो लोग एज ए सॉन्ग में प्रेजेंट कर रहे थे, और किसी भी किंग की जो मतलब उसके जो वॉरियर थे किंग या उसकी लड़ाई हुई तो उसको सब वो गानों और गीतों के उससे प्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे मुझे बहुत सारे इंस्टांस मिलते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, वो ये है कि ये परंपरा मुगल काल के बाद शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। अगर आप मुगल काल के नजरिए से देखेंगे तो अलग लगेगा, नहीं तो ये परंपरा सदियों से है। तुर्कों और मुगलों के आगमन से पहले से ये परंपरा है राजघरानों में। जैसे कि सर कश्मीर में 150 साल गायन के बेटे ने ही राज किया है वहां पे, जैसे मुक्तापीड़ और चंद्रपीड़ जो डायनेस्टी चली वो गायन के बच्चे ही थे, जो कि रजत रागनी में जिसके बारे में हमें इंस्टांस भी मिलते हैं। तो तब तो मुगल्स इंडिया में थे, मुगलों के आने से प्रभावित तो जरूर हुई ये परंपरा, लेकिन ये परंपरा इंटेक्ट लंबे समय से, मतलब उसका उससे बहुत गहरा कोई संबंध नहीं है इस परंपरा से मुगलों की। जैसे तायाब तवायब वाला सवाल भी किसी ने पूछा था, वो मुझे लगता वो परंपरा उससे प्रभावित तो हुई लेकिन वो परंपरा वैसी है नहीं। मुझे लगता है बहुत सारी गायने पर्दायत हुई बाद में, और उनका पर्दायत का हक, पर्दायत के हक हकू कमोबेश वही होते हैं जो एक रानी के होते हैं। एक ही बात है कि उसका बेटा सत्तारूढ़ नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ वैसा ही है। सर ऐसे तो सर पूछ रहे जो रानी के समकक्ष कैटेगरी होता है जी 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 सर, उनको उनके क्या कहते हैं खानदान अशगी ऐसे कुछ नाम था, मैं बाबा है, बाबा कहते हैं हमारे। नहीं नहीं, मुगल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मुगल्स। जी सर जी सर, वाली महिलाएं थी उनके साथ ही वही नियम थे जो सर अभी और आप नहीं सर, आप मुगलों के एलिमेंट और राजपूतों की पुरानी एलिमेंट, ये एक तरह की साजिश है। तो वो सर मैं एग्री हूँ आपके सजेशन से, बिकॉज क्योंकि मुगल और जो राजपूतों के अलायंस हुई थी उससे कल्चर क्रॉस कल्चर तो चेंज हुआ ही था, जिससे बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ था। जैसे कि हम मुगल से बिफोर जब राजपूतों की जो सिंगिंग विमेन की वो देखते हैं कैटेगरी देखते हैं तो वो 2, 3 या 5 ही मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुगल के साथ अलायंस होना शुरू होता है तो उनके हरम में, जैसे मुगलों के हरम की संख्या बढ़ी वैसे वैसे जनाना डोरी में भी औरतों की संख्या बहुत बढ़ी है। जैसे कि महाराजा मान सिंह जी हैं या तकत सिंह है, उनकी 39 कॉन्क्यूबाइन प्लस रानियां थी, तो सर इसका इफेक्ट तो पड़ा है, मैं इसके साथ में एग्री करती हूँ। कोंकणी कल्चर पे उनकी जो बहुत ही मानक किताब है जी सर, मैं पढ़ूंगी दाऊद अली, ठीक है सर। चोल राजे की हरम के बारे उनके स्टेटस क्या थे, उनके फंक्शंस क्या थे, इस पर काफी किताब है और कहीं आपको रेफर करना। जी सर जी सर।
तिवारी सर, तिवारी सर जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हो तो तिवारी सर। पटेल सर आज पटेल आज ही आए लगते हैं। अभी अभी ज्वाइन किया। चलिए मुझे और सजेशन। और कोई मित्र पूछना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो फिर इसको समाप्त करें। कश्मीर के बारे में आपने क्या कहा? सर मैंने कश्मीर के बारे में कहा कि जो मुक्ता पीढ़ और चंद्र पीढ़ जो डायनेस्टी चली वो सर 150 साल तक जो उन्होंने राज किया वो एक गायन के ही बच्चे थे, मतलब एक सिंगर के बच्चे थे वो। जबकि हम जब जोधपुर मतलब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो जो पर्दायत या गायन होते हैं उनके बच्चे राज नहीं कर सकते। अगर राजा को सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो पर्दायत से है और रानी से नहीं है तो उसको अडोप्ट करना पड़ेगा सेम ब्लड का राजपूत, लेकिन वो उसको राजा नहीं बना सकता। लेकिन जबकि सर हम कश्मीर को देखते हैं तो कश्मीर में वहां पे गायन के बेटे ने राज किया है, मतलब पूरी डायनेस्टी ने राज किया है 150 ईयर तक। मैं ये कह रही थी सर। नहीं वो मैं समझ रहा हूं, ये ट्रेडिशंस अलग किस्म के थे। नहीं सर ट्रेडिशन सेम था बस, लेकिन वहां पे कश्मीर में राजा बन पा रहा था उसका बेटा, मतलब कॉन्क्यूबाइंस का, बस राजस्थान में किसी भी कंडीशन में उसको राजा नहीं बनाया जा रहा। राजस्थान में एक उदाहरण मिलता है वो मेवाड़ में, लेकिन उसको शासन नहीं करने दिया गया बनवीर। वो पृथ्वीराज की पर्दायतन का लड़का था लेकिन बाद में उसको शासन नहीं करने दिया गया। हाँ आप वेरी करते हैं सर क्षेत्रों के अनुसार। वो राजा के किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी अपने पेट्रन की तरह और उनको राजा बनाने के लिए मदद करती थी, ये भी होता था। हाँ सर गुलाब राय का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, महाराजा मान सिंह को उन्होंने ऐसे ही अडॉप्ट करके बड़ा किया, जब उनके खुद के बच्चे की डेथ हो गई तो उसने ही उसको बड़ा किया और राजा बनाने में काफी हेल्प की गुलाब राय ने मान सिंह को। अच्छा एक सवाल और। जी सर बिल्कुल। हाँ मैं एक थोड़ा सा सवाल और आया मेरे माइंड में। जी सर कहिए। राजस्थान जैसे मैंने शुरू में की ऑब्जर्वेशन में भी कहा राजस्थान सामंतवाद की धरती एक तरह से, और जहाँ सामंतवाद होता है उसका सबसे बुरी तरह जो विक्टिम बनती हैं औरतें बनती हैं, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं हैं। अगर आप जाओ ना देखो आपने देखा भी होगा जी सर, इनके शाही जो है महलों में जाओ या जोधपुर में चले जाओ, थोड़ा बहुत मैंने भी विजिट किया है या उदयपुर का राजघराने, तो उनके जो शाही शमशान है ना, शमशानों की जो शाही शमशान है उसके आप गेट्स पे अगर आप देखेंगे तो इवन 5-5 साल की बच्चियों के थापे लगे मिलेंगे, ऐसे हाथों के जो निशान होते हैं सर वो फोर्ट में भी लगे होते हैं, जब सती होने के लिए जाते हैं तो फोर्ट के उस पे भी लगते हैं डोर पे। तो मैं ये कह रहा हूँ भयानक थी कि 5-5 साल मासूम बच्चियों तक को भी जला दिया गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो शाही गायिकाएं थी जो जब राजा किसी युद्ध में मरता था या उसके साथ उसकी डेथ होती थी जी सर, इनको भी सती होना पड़ता था, ऐसा कुछ देखा आपने? सर होना पड़ता था ऐसा कोई रिचुअल नहीं था, जितना मुझे समझ में आया है आप वो मर्जी पे डिपेंड करता था कि वो चाहती हैं या कि नहीं। जैसे कि महाराज अजीत सिंह है उनकी 6 गायन थी, 6 की 6 पूरी तरह से सती हो गई थी, उनकी सारी रानियां सती हुई थी, लेकिन उसके बाद में मान सिंह जी है या फिर तखत सिंह या विजय सिंह के बारे में जो पढ़ते हैं या नन्नी जान आप सबने ही पढ़ा होगा नन्नी भक्तन के बारे में, वो तो महाराजा साहब के मरने के कितने साल तक मतलब जिंदा रही और उन लोगों ने कोई मतलब सती नहीं हुई, ये मतलब डिपेंड करता था कि वो सती होना चाहती है या नहीं होना चाहती है। तो बहुत सारी गायने सर सती हुई है और लेकिन बहुत सारी नहीं भी हुई। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अब कोई सवाल नहीं है तो मैं सबसे पहले सुमित जी को धन्यवाद देता हूँ ऐसा अद्भुत विषय चुनने के लिए, और मुझे लगता है कि वे
अपने अब मुझे लगता है कि आप पहले से तयशुदा निष्कर्ष नहीं रखे अपने मन में कोई, तो अच्छे निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। तो ये ध्यान रखें बस, केवल तयशुदा निष्कर्षों पर नहीं चलकर अपने निष्कर्षों पर, अपने विवेक से पढ़ें सबको, लेकिन अपने विवेक से तय करें और एक युक्ति संगत निष्कर्षों पर पहुंचें। मैं आप सभी सहभागी मित्रों का भी हृदय से आभारी हूं कि इतनी देर तक आपने सुमित जी को और कुछ मुझे भी सुना, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। उसको कर दीजिए। कर दिया, थोड़ा सा गर्म हुआ ना, तो लंबे समय तक चलती है।